करनाल में मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदार पिछले काफी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को ग्रामीण चौकीदारों ने करनाल में लघु सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन के लिए धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीण चौकीदारों की मुख्य मांगे हैं कि उन्हें वेतनमान 26,000 रुपए दिया जाए। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती उनका धरना जारी रहेगा। सोमवार को ग्राम सेवक चौकीदार एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले ग्रामीण चौकीदारों ने करनाल लघु सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चौकीदारों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। किया जा रहा है आज ये प्रदर्शन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये प्रदर्शन किया जा रहा है, एक ग्रामीण चौकीदार, बहुत ही गरीब चौकीदार है। सरकार इसको केवल 7,000 मानदेय भत्ता देती है। और ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि मानदेय को हटा के वेतनमान किया जाए और कम से भी कम 26,000 रुपये इसका वेतन किया जाए। और हम मनोहर लाल जी से कहना चाहते हैं कि मनोहर लाल जी, आपने 2018 में एक वादा किया था ग्रामीण चौकीदार से हिसार महावीर स्टेडियम में, तो कहा था कि चौकीदार आप भी जागते रहो और मैं भी जागता रहूँगा। आप गांव के चौकीदार हो, मैं पूरे हरियाणा का चौकीदार हूँ, मैं आपकी तरफ हमेशा देखूंगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ अनदेखी की। हम मुख्यमंत्री जी से कहें कि आज 13 चौकीदार सड़क पर है, आपने जो वादा किया था वो हमारा वादा नहीं निभाया। हम एक गरीब ग्रामीण चौकीदार केवल 7,000 रुपये वेतन ले ना मानदेय ले रहे हैं। देखो आज 50,000 रुपये वेतन ले रहा है, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो 7,000 में हमारा कैसा घर का खर्चा चलेगा। आज हर चीज़ पे महंगाई देखो, तेल, साबुन, आटा, चावल, हर चीज़ में इतनी महंगाई। आज दूध लेना चले जाओ, कम से कम भी 90 रुपये लीटर का तो दूध का भाव है। हमें इतनी कठिनाई आ रही है कि बहुत ज़्यादा, हम अपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते, हम अपने बच्चों की फीस भी समय पर नहीं भर सकते, हम अपने बच्चों को समय पे किसी प्रकार का अच्छा पहनाने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं दे सकते, हम हमारे बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते। अच्छा। आज हमारे लिए इतनी परिस्थिति नाजुक हो रही है, इस नाजुक परिस्थिति में हमें आज रोड पर आना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, मैं भी एक चौकीदार, तुम भी एक चौकीदार, नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, इस चौकीदार ने साबित करके दिखाया कि चौकीदार चोर नहीं है, दोबारा से सिंहासन पे हमारे प्रधानमंत्री इस चौकीदार ने बैठाए। आज प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज 13 चौकीदार सड़क पर बैठा है कि प्रधानमंत्री जी आप भी इसकी सूझबूझ लो। कब तक चलेगा धरना? ये धरना तो सर ऐसा है, इसका कोई समय सीमा नहीं है।